सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इंडिया के सबसे पहले बनाए जाने वाले RRTSS प्रोजेक्ट पे, जिसे कि NCRTC और उनकी टीम बना रही है। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से भारत में पहली बार इस RRTS की लाइन के ऊपर काम किया जा रहा है। और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो मेरे पीछे ट्रैक देख रहे हो, इसका किस तरीके से NCRTC और उनकी टीम काम कर रही है, यही आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, और यकीन मानिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये भारत में आपको पहली बार देखने को मिलेगा। और यही सारी डिटेल आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस तरफ हम और आप जाएंगे तो ये है दुहाई। दुहाई अगर यहाँ से जाओगे तो तकरीबन है 6 किलोमीटर, और वहाँ तक ट्रैक डालने का काम पूरी तरीके से कर लिया गया है। यानी कि 6 किलोमीटर इस साइड और 6 किलोमीटर इस साइड, 12 किलोमीटर तक ट्रैक डालने का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इस तरफ है गुलधर का RRTS स्टेशन, और इसी तरफ यहाँ पर ट्रैक डालने का काम किया जा रहा है, और आज इसी जगह पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, देर किस बात की, चलते हैं और फिर देखते हैं। आप देख रहे हो ये ट्रैक स्लैब के ऊपर यहाँ पर ट्रैक डाला गया है। इंडिया में वैसे जनरली जो आप देखते हो ये होता है कि ब्लास्टर डालते हैं, ब्लास्टर डालने के बाद ये ट्रैक डाला जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा NCRTC के इस परियोजना पे। जी हाँ, यहाँ पर पहले ट्रैक स्लैब बनाया गया है। ट्रैक स्लैब और ये जो फ्लोर होने वाला है, इसके बीच में भी गैप होने वाला है। जी, अब ये गैप इसलिए है कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर ये सरिया आपको दिख रहा होगा। जी, तो ये है नीचे फ्लोर, बीच में ये सरिया है, और ये है ट्रैक स्लैब। ट्रैक स्लैब और इस फ्लोरिंग के बीच में एक रिसाइकल रबर भी यहाँ पर लगाया गया है, और उस रिसाइकल रबर की मदद से यहाँ पर कुशन प्रोवाइड होगा। ट्रैक स्लैब डाल दिया गया है। ट्रैक स्लैब को डालने के बाद पूरी तरीके से इसका अलाइनमेंट पहले फिक्स किया जाएगा, और फिर इसके अंदर कंक्रीट का मसाला डालकर इस ट्रैक स्लैब को लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरफ इसका काम कर भी लिया जा चुका है। अब ये ट्रैक स्लैब अगर आप देखोगे तो इनको टुकड़ों में बनाया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर भविष्य में यहाँ पर कुछ डैमेज हो जाता है तो इस पर्टिकुलर ट्रैक स्लैब को निकालेंगे, और फिर यहाँ पर नया ट्रैक स्लैब जो इनके पास स्टॉक में होगा उसको लगाएंगे, और फिर यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो अप एंड रनिंग कुछ ही घंटों में हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूरी तरीके से इसी जगह पर कंक्रीट से ढालकर बनाते तो उसको पहले तो डैमेज करो फिर नया बनाओ, उसमें बहुत सारा टाइम जाता और उसमें लाइन जो है वो डिस्टर्ब होती। इसी वजह से NCRTC ने ये पूरी तरीके से भारत में पहली बार ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। एक जो ये ट्रैक स्लैब है, इसका जो वजन है वो है 4 टन का। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये पता कैसे करते हैं कि कौन सा ट्रैक स्लैब कहाँ लगाते हैं। तो सबसे पहला मेथड इनका ये है कि एक तो सबसे पुराना है वो ये है, यहाँ पर इस तरह भी नंबरिंग की गई है, इसके ऊपर भी नंबरिंग होती है, और फिर यहाँ पर ये लगा लेते हैं। दूसरा जो है वो ये है, इस बारकोड की मदद से। जी हाँ, इस बारकोड की मदद से इनको ये पता चल जाता है कि कौन सा ट्रैक स्लैब कहाँ पे लगाना है। ट्रैक स्लैब का डालने का जब काम हो जाता है, जब पूरी तरीके से इसका अलाइनमेंट हो जाता है, फिर उसके ऊपर आखिरी में ये पटरियाँ डाली जाती हैं। ये जो ट्रैक स्लैब आप देख रहे हो, ये मेरठ के शताब्दी नगर में बनाया जा रहा है। पूरे फेज़ वन में ये जो 17 किलोमीटर का पार्ट है, जो कि साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक का है, इसमें 9000 ऐसे ट्रैक स्लैब लगाए जाने हैं, और उस फैक्ट्री में प्रतिदिन 90 से 100 ट्रैक स्लैब बनाए जाते हैं। ये जो पूरा 83 किलोमीटर लंबा ये परियोजना है, इस पे 40,000 के आसपास ये ट्रैक स्लैब डाले जाने हैं, और उसका निर्माण मेरठ की उसी कंपनी में किया जाएगा। पूरा ये दिल्ली मेरठ RRTS है, ये है 83 किलोमीटर का। एक घंटे के अंदर आप दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र तय कर सकते हैं। 2025 में ये पूरा अलाइनमेंट बनकर तैयार होगा, लेकिन इसका जो फेज़ वन है, जैसा कि NCRTC ने डे वन से कहा है, 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरफ है दुहाई, और आने वाले कुछ महीनों में, या फिर आपसे यूँ कहूँ आने वाले कुछ दिनों में, हमें और आपको इसके ऊपर जो ट्रेन दौड़ेगी वो देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, और ट्रेन भी पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, और कुछ दिनों बाद आपको दिखा भी दूंगा। ये यहाँ पर देखोगे तो ये है गारंटी, और इसी गारंटी की मदद से ट्रैक स्लैब को डालने का काम यहाँ पर टीम कर रही है। जी हाँ, पीछे इस तरफ जो मैंने आपको दिखाया वहाँ तो ट्रैक स्लैब डालने का काम हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी उसी काम को किया जा रहा है।
कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि किस तरीके से भारत में पहली बार RITS की लाइन बनाई जा रही है और किस तरीके से NCERTC और उनकी टीम काम कर रही है ताकि आपको सुखद और सेफ जर्नी का अनुभव हो। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।